हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी मैडम, कैसे हैं आप सब। अच्छा मैडम, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था मोर द इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप जो है वो चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसको कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, कुछ इसके पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हमने कहा था गोल्ड फॉइल होती है, ब्रास की डिस्क होती है, ब्रास रोड होता है, इंसुलेटर वगैरह वगैरह ग्लास जार होते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज बेटा इस लेक्चर में हमने उसको कंटिन्यू करते हुए आगे ये पढ़ना है कि हमने उस इलेक्ट्रोस्कोप को जिससे हमें चार्ज डिटेक्ट करना है उसको पहले चार्ज कैसे करें। सारी बात है, अगर आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से किसी चार्ज को डिटेक्ट करना चाहें तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर चार्ज कौन सा है और कौन सा चार्ज इस पर प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, बट आज हम उसी टॉपिक को फाइंडिंग करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली वो कौन सा होगा, चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आप सर उनका पेज नंबर 7 ओपन कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपको एडिंग नजर आएगी। सिमिलरली अगर आपने इस पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करवाना है नेगेटिव,
तो अब क्या करेंगे, इस मेटल रॉड को लेंगे, इस पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को जब आप इसके पास लेकर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज इस रॉड के और पॉजिटिव चार्ज इस ब्रास डिस्क के, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे ही आप इसको पास लेकर आएंगे तो रिपल्शन की वजह से चार्जेस जो है वो इन लीव्स पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर पहुँचना चाहेंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो ऊपर से ऊपर से कौन से चार्ज बच जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हमने कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करवा दिया है, यहाँ पर हमने चार्ज प्रोड्यूस करवाया है नेगेटिव। तो बेटा ये जो प्रोसेस है ये क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एक प्रोसेस है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या कहा था कि जब आप किसी मेटल कंडक्टर या एक्चुएटर को किसी भी कंडक्टर के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है, सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस जो है फार एंड पर होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो नियर एंड पर होते हैं। हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि दोनों पर नियर एंड पर मौजूद होंगे। तो ये जो था सिर्फ कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कैसे करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। आपने डिटेक्ट करना है कि इस पर कौन सा चार्ज है। ठीक है, लास्ट टाइम लास्ट टॉपिक में तो हमें ये पढ़ाना है कि आपने इसे चार्ज करना है, लेकिन अब लेट्स सपोज पहले से चार्ज है, हमें नहीं पता कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, बट हम क्या करेंगे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। क्लियर है, ये आप समझ आ गई। अब बेटा आप क्या करेंगे, आपने एक मेटल लेना है, एक मेटल रॉड लेना है जिस पर आपको पहले से पता हो कि इसमें चार्ज कौन सा है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं एक मेटल रॉड लेकर आ रहा हूँ और उस पर चार्ज है पॉजिटिव। क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अगर लेट्स सपोज अगर यहाँ पर अगर आप इसको पास लेकर आ रहे हैं तो इसके अंदर क्या चार्ज होंगे, जैसे आप उसको पास लेकर आएंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज किस तरफ ट्रेवल करेंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जब बेटा वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जाहिर बात है कि यहाँ पे चार्जेस पहले से पॉजिटिव हैं, अगर यहाँ पे पहले से पॉजिटिव हुए ठीक है तो इनकी क्या होगी, डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो क्या होंगे, रिपल्शन होगी, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, डाइवर्जेंस होगी। तो अगर आप इस मेटल जो लीव्स हैं इनके अंदर डाइवर्जेंस ज़्यादा हुई तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं तो इन नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब बिना ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस बेटा डिक्रीज हो जाएगी। डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये कि चार्ज कौन सा है किसी बॉडी पर, तो अगर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो अगर उसे आप पास लेकर आ रहे हैं तो उसके अगर लीव्स की जो डाइवर्जेंस है, लीव्स की क्या बेटा, डाइवर्जेंस अगर वो ज़्यादा हो तो उसका मतलब क्या है, उसमें सेम चार्ज की वजह से डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर उसमें डाइवर्जेंस है वो डिक्रीज हो तो उससे क्या होगा, डिक्रीज होने की वजह से इसमें
क्वेश्चन है अगर आप पूछ लें। ये बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो यहाँ अगर पूछ लें फिर हम नेक्स्ट जो है टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है इसी को हमें कंटिन्यू करना है। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आया कि जो आपके पास कोई भी मेटल है या आपकी प्लास्टिक है कंडक्टर के होंगे, कंडक्टर वो है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। और उसके बाद अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं या ऐसे मटीरियल होते हैं जिनके अंदर चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, जो है ठीक है। अब आपने करना क्या है, इनको आइडेंटिफाई करना है। स्पोर्ट्स हमारे पास दो मेटल हैं, दो पीसेस हैं, एक एक पीस है इसका नाम है ए और दूसरा है इसका नाम है बी। अब हमें नहीं पता कि इसके अंदर से कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है या कौन सा कंडक्टर है कौन सा कंडक्टर नहीं है, ठीक है। ये दोनों ए भी हैं, इनका हमें नहीं पता कि इनसे कंडक्टर कौन सा है और इंसुलेटर कौन सा है। बेटा आप क्या करेंगे, आप इनमें से लेट्स सपोज ए को आपने पिक किया और ए को पिक करने के बाद आपने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब अगर बेटा इसको पास लाने से इन लीव्स की जो डाइवर्जेंस है उनमें कमी बाकी होगी, यानी कि अगर आप इस मेटल को इसके पास लेकर आ रहे हैं तो इसकी वजह से हमारे पास लीव्स है, अगर इनकी डाइवर्जेंस कम या ज़्यादा हो, डाइवर्जेंस हो लेकिन कम या ज़्यादा हो, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेटल है जो आप ए लेकर आए हैं कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। अगर आप इस ए बॉडी को इसके पास लेकर आ रहे हैं तो इसको पास लेने के लिए जब आएंगे तो अगर इस लीव्स के अंदर डाइवर्जेंस होगी तो आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर या ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं, चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बी को लेकर आए इसके पास और बी को पास आने से अगर इन लीव्स की डाइवर्जेंस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल है हमारे पास बी वाला ये क्या है, इंसुलेटर, क्या है, इंसुलेटर। तो आपको ये समझ आ चुकी होगी कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप को फिर चार्ज हम कैसे कलेक्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से हम चार्ज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम मेटल और या कंडक्टर या नॉन कंडक्टर को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस क्या होता है, मोस्ट बच्चों को नहीं आता तो आप नोट कर लें, कंडक्टर इंसुलेटर। आप देख सकते हैं जो कंडक्टर हैं वो ऐसे मटीरियल होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है। कंडक्टर एक ऐसा मटीरियल है जिसके अंदर आप हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इंसुलेटर है,
इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो ना तो हीट को कंडक्ट कर सकता है, डस नॉट कंडक्ट का मतलब क्या होता है, पास करना, कंडक्ट हीट एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इंसुलेटर्स में इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि जो मेन जो रीजन है कंडक्शन की किसी भी एलिमेंट के अंदर वो कौन सा जो होता है, वो होती है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी मटीरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो आप कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो है या वो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद कंडक्टर क्या होंगे, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंडक्शन करवा सकते हैं। इस बार अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें तमाम मेटल्स ऑल मेटल्स जो है वो उसके एग्जाम्पल के अंदर रहेंगे, और इंसुलेटर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक, वुड, लकड़ी, लकड़ी के अंदर से करंट पास नहीं होता और प्लास्टिक के अंदर से करंट या हीट पास नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा था जनरल सा ओवरव्यू कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। तो आपको डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है बेटा।